द कैपरिल फर्स्ट दैपरल द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कैप्रिल, द दॉयल कंडीशन ऑफ कैप्रिल एंड द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन द कैप्रिल। सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आपने नॉर्मली जो बायोम्स हैं उसमें आपने टंड्रा बायोम्स का कॉनिफेरस फॉरेस्ट दैन डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रास लैंड डेजर्ट्स इनके ने बहुत कॉमन सुने हुए हैं जबकि कैपरल जो है इसका नाम आपने बहुत रेयरली जो है वो सुना है तो कैप्रल जो है ये पैचेस की फॉर्म में एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि छोटा बायोम है और इसकी जो ख़ास बात होती है दैट इज़ द एक्सट्रीम ड्राई कंडीशनस हैं तो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन ऑफ़ जो वो कैप्रल जो है इट इज़ मेकिंग दैम यूनिक फ्राम दैट ऑफ दी अदर बायोम्स जो बाकी इकोसिस्टम्स हैं बायोम्स उनसे है वो उससे इसको सेपरेट करती हैं सो द क्लाइमेटिक कंडीशन इफ यू टॉक अबाउट द विंटर सो विंटर ऑफ़ कैप्रिल इज़ हैविंग द माइल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन जो इसके विंटर के अंदर जो माइल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन हैं एंड द टेम्परेचर इज अबाउट टेन डिग्री सेंटीग्रेड जबकि समर की अगर हम बात करें समर जो है इट इज़ हॉट एंड ड्राई सीजन समर के अंदर जो है इसका जो टेम्परेचर होगा इट विल बी अबाउट थर्टी सेवन एट एन एवरेज जो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव रहेगा जिन टेम्परेचर विल भी द हायर एंड वेरी ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशन आर देयर सो जो रेन है इट इज़ एक्चुअली देर इज नो इन द समर द रेन ऑनली कम्स इन विंटर। तो विंटर के दौरान जो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए जाए वो रेन होगी एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंजेस फ्राम थर्टी टू सेवेंटी फाइव यानी अगर हम देखें तो कैप्रिल की जो रेन का जो पैटर्न है दैट इज़ न्यू टू द ग्रास लैंडस लेकिन द डिफ्रेंस डिफरेंस ये कि यहाँ इसकी जो सॉइल की कंडीशन totally है देट टोटली डिफरेंट फ्राम देट ऑफ द ग्रास लैंडस रॉकी इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से जो होगा सॉइल कंडीशन और जो बायोम है जो प्लांट लाइफ है वो क्या होगी इंटायरली डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ द ग्रास लैंडस होगी सो दॉयल कंडीशंस लाइक ग्रास लैंडस द कैप्रल देसो हैविंग अ वेरी थिन फर्टाइल सॉयल क्योंकि जिसको जो ग्रास लैंड की तरह जो कैप्रल है इसकी जो फर्टाइल लैंड है वो वो थिन है और जबकि जो सॉइल टेक्स्चर है दैट इज अ रॉकी अच्छा ग्रास लैंडस के अंदर आमतौर तो रॉक्स कम होती है जबकि यहाँ जहाँ वो आप हमारे पास जो रॉकी टेक्सचर मौजूद होगा या कह सकते हैं कि हिली जो है वो टेक्सचर जो है वो एरियाज जो हो इस पर है ज़्यादा इसमें मौजूद होंगे द सॉयल इज न्यूट्री एंट पुअर सॉयल के अंदर चूँकि प्लांट लाइफ कम है डीकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है या वेरी स्लो है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब और जो इन्वायरमेंटल रॉक्स होते हैं उसकी वजह से वो हार्ड होती हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो होती है वो रिसाइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो मिनिमम होगी हाईली ससेप्टिबल टू द इोजनस तो ज़्यादातर केसेस में चूंकि जो, जो बेयर रॉक्स मौजूद होती हैं तो जिसकी वजह से रेन या वैसे जो विंड की वजह से कंटिन्यूस इरोजन जो है वो रहेगी सो सॉइल कंटेंट्स लो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बिकॉज सॉइल इज़ हैविंग लो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर तो अल्टीमेटली इसको जो प्लांट्स हैं या फिर ग्रासेस जिनको सपोर्ट करने की सलाहियत इसके अंदर कम होगी सो प्लांट लाइफ इन द कैप्रिल अब अगर हम थोड़ा सा इसको गौर कर लें कि इन्वायरमेंटल कंडीशन वेरी ड्राई ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशन आर देयर न रेन फॉल रेन फॉल इज़ वेरी लो रेन फॉल बहुत लो है सॉयल इज सब्जेक्टेड टू इरोजन सॉइल इरोजन को जो है उसको हो रही है जिसका अब इसका कर, रिजल्ट क्या होगा कि कैप्रिल के अंदर लार्ज ट्रीज ग्रासेस का ग्रो करना जो आम हालात में पॉसिबल नहीं होगा सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स जो है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जब वो ग्रो कर सकते हैं सो नॉर्मली द प्लाट्स देर श्रबी ट्रीज भी नहीं है ग्रासेज श्रब्स okay, की तरह जो प्लांट्स दे विल ग्रो देअर दे आर हैविंग ट वैक्सी लीवस उनके लीव्स जो होते हो, तो continuous है वो आमतौर चूँकि कंटिन्यूस जो वो विंड है जिसकी वजह से जो वो जो लीवस होंगे दिल बी ऑफ दी वैक्सी इन नेचर वैक्सी नेचर के होंगे जिसकी वजह से जो वो वहाँ सर्वाइव कर सकेंगे दीव्स दे आर द प्लाट् दे विल बी एवर ग्रीन तो जो होंगे वो उसमें क्या होगा थ्रू आउट दर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन रहेंगे यानी कि जो लीव्स हैं दे वो नॉर्मली डिसीडियस फॉरेस्ट की तरह जब वो विंटर के दौरान जो है, no है वो शेड ऑफ नहीं किए जाते हैं प्लांट्स जो हैं दे आर हैविंग नो थिक बाग्स अब चूँकि वहाँ के अडेप्टेशन हैं कैप्रिल के अंदर जब वो विंड है तो विंड में अगर जो थिक बाग वाले लार्ज स्टेम वाले प्लांट्स मौजूद होंगे तो अल्टीमेटली उन्हें टूट जाना है ब्रेक ऑफ हो जाना है इस वजह से जो है वो फ्लेक्सीबल जो है वो शर्ब्स जो है वो हमें मिलेंगी इसमें कैप्रिल के अंदर सो so, कैप्रिल के अंदर समर जो है इट इज़ वेरी लॉन्ग तो लॉन्ग समर की वजह से अल्टीमेटली वो प्लांट्स जो विंटर के अंदर यानी कुछ जो है वो रेनफॉल की वजह से ग्रो कर पाए हैं वो अगले ही सीजन में लॉन्ग ड्रॉट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं या फिर वो बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं तो अब उसका नेचर ने एक अल्टीमेट सोल्यूशन रखा हुआ है कि कैप्रिल के अंदर जो प्लांट्स हैं अगर वो लॉन्ग समर में सर्वाइव नहीं कर सकते प्रॉपरली तो उनकी रिकवरी बहुत जो है वो फास्ट है यानी जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होंगे तो वो फ़ौरन से या विद इन जब वो शॉर्ट टाइम जो दोबारा से क्या करेंगे रीग्रो करके श्रब्स जो है वो अपने आप को या वो और बाकी प्रोसेस जो वो स्टार्ट कर देंगे